चेन्नई सुपर किंग्स को मिला नया कप्तान, ना तो ऋतुराज गायकवाड़ और ना ही बेन स्टोक्स, बल्कि ये दिग्गज खिलाड़ी बन सकता है नया कप्तान। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन अभी तक काफी शानदार देखने को मिला है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक खेले गए अपने 7 मैचों में से 5 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं सिर्फ 2 ही मैचों में हार मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। अभी यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को सिर्फ 3 ही मुकाबले जीतने हैं और वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार मैच जीत रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये सीजन महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है। खैर, अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की है। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन के बाद संन्यास लेते हैं तो वो कौन सा खिलाड़ी है जो चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बन सकता है? यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा होती है। पहले ऋतुराज गायकवाड़ और बाद में बेन स्टोक्स के नाम सामने आते हैं। ये दोनों ही कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस लिस्ट में एक नए खिलाड़ी का नाम जुड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे के बारे में। अजिंक्य रहाणे इसी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा बने हैं। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे ने जब से वापसी की है लगातार रनों का अंबार लगा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन में 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो कि एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट माना जाता है। अजिंक्य रहाणे न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित भी कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अजिंक्य रहाणे भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान रह चुके हैं और कई मौकों पर उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की है। अजिंक्य रहाणे चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान बनने के एक प्रबल दावेदार बन चुके हैं। खैर, ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान कौन होगा। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किस खिलाड़ी को बनना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।